हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बेकार टी शर्ट की मदद से बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी बेकार टी शर्ट लेनी है और उसके स्लीव्स और नेक्स को हमें कट कर लेने हैं। तो यहाँ से मैंने स्लीव्स कट कर लिए हैं और नेक को भी हम कट कर लेंगे और इसको एक बिल्कुल बराबर सा शेप दे देंगे। तो यहाँ से देखिए, इसको मैंने ऐसे कट कर लिया है और अब हम इसको बराबर कर लेंगे। तो साइड से भी हम इसको ओपन कर लेंगे। और इसको कट करने के बाद दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो देखिए, इसको मैंने यहाँ से भी कट कर लिया है और अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेना है। साइड से जो हमारा स्लीव वाला निशान है वो भी हमें बराबर कर लेना है और उसके बाद हमें एक साइड से 5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और दूसरे साइड से भी 5 इंच की दूरी पर निशान लगा लेना है। तो देखिए, ये हो गया है। उसके बाद आप यहाँ 5 इंच की दूरी पर निशान लगाने के बाद अब इसको सीधा कर लेंगे कपड़े को और यहाँ से अब हम इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले, देखिए ऐसे, और फिर दूसरी साइड में भी हम जो 5 इंच की दूरी पर निशान लगाया है उसको भी हम लाइनिंग ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर से हमें स्केल रखनी है और यहाँ पे 2-2 इंच की दूरी पर हम एक पॉइंट लगा लेंगे, देखिए ऐसे, ये 2-2 इंच की डिस्टेंस पे हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद हमें इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे ये हो जाएगा। इसके होने के बाद हम यहाँ पे इसमें ब्लॉक्स बना लेंगे। तो लाइन को अब हम पेन से ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पे ब्लॉक्स बनाएंगे। तो 1 इंच पहले हम ऊपर से छोड़ देंगे, देखिए ये 1 इंच हम छोड़ देंगे और उसके बाद से हम इसमें लाइंस बनाएंगे। ऐसे करते हुए हम इसमें ब्लॉक्स बनाएंगे 2-2 इंच के डिस्टेंस पे। ये हमारा होते जाएगा। और अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इसको लाइन को हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए, ये कपड़ा हम सीधा कर लेंगे, ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, लंबी वाली, जो लंबा वाला साइज़ है वो हमें रखना है। और उसके बाद अब हमें ब्लॉक्स में लाइंस ड्रॉ करना है। तो लाइन हम कैसे इस ब्लॉक में ड्रॉ करेंगे, एक एक ब्लॉक छोड़कर हम इसमें लाइंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्लॉक में हम ऐसे लाइन बना देंगे इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर, दूसरे में भी हम ऐसे ही बनाएंगे, एक ब्लॉक छोड़ के फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे, फिर हम एक ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर बनाएंगे। ऐसे करते हुए हम पूरा एक लाइन पहले इसको बना लेंगे और फिर उसके नेक्स्ट लाइन में हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो देखिए, ऐसे ले जाना है हमें, फिर एक ब्लॉक छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे और ऐसे हम इसको भी बनाते जाएंगे। तो ये हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमें बीच का एक ब्लॉक छोड़ देना है और इस कपड़े को उल्टा कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसको उल्टा कर लिया और अब फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है। ऐसे हम करेंगे, इसको भी हमें कंप्लीट कर लेना है और फिर उसके बाद हमें
एक ब्लॉक छोड़ के फिर इसको भी हमें ऐसे बना लेना है। आप देख सकते हैं कि एक लाइन हमारी ऊपर की ओर जा रही है, एक लाइन नीचे की ओर जा रही है, तो सेम ऐसे ही हमें बना लेना है। बीच की एक लाइन ब्लॉक हमने खाली रखी है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। अगर आपकी चौड़ाई कपड़े की ज़्यादा है तो आप इसको और भी चौड़ा कर सकते हैं और ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो आप देखिए, इसमें हमें सुई धागे को डालना है और यहाँ पे पहले हमें एक नॉट लगा लेनी है। तो आप सिंपली एक नॉट यहाँ पे लगा लें, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा लगाएं और फिर इसको खींच दें। तो देखिए, यहाँ पे नॉट एक लगाई मैंने, फिर दूसरे में नहीं लगाई, और फिर दोनों को खींच कर इसमें हम नॉट लगा देंगे। ये हो गया। इसके बाद हम सेकेंड लाइन में जाएंगे और जो हमने निशान लगाया हुआ है ऊपर की ओर, उसको हमें ऐसे सुई को डालना है और हमें धागे को खींचना नहीं है, हमें ढीला रखना है और फिर उसके बाद हमें सिंपली एक नॉट लगा देनी है जिससे कि ये फिनिश हो जाए यहाँ पे। और फिर उसके बाद से हमें फिर से ऊपर की ओर ऐसे सुई को डालना है और इसको खींच देना है। यहाँ पे हमें नॉट नहीं लगानी थी और इसके बाद इसको खींच कर हमें फिर से यहाँ पर नॉट लगा लेना है। तो देखिए, ये हो गया है। ऐसे ही हमें फिर से करना है, फिर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, फिर इसमें खींचना नहीं है धागे को और नॉट लगा लेनी है और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें इसको लगाकर खींच देना है और फिर से हमें इसको जॉइंट कर देना है। तो देखिए, ये हो गया है। और इसके बाद फिर से हमें ऐसे करते हुए पूरा एक लाइन हमें कंप्लीट कर लेनी है। हो गया है। और सेकेंड लाइन में भी अब हमें ये देखिए, ये इस तरीके की डिज़ाइन कुछ बन जाएगी। और फिर से हमें यही सेम प्रोसेस नेक्स्ट लाइन में भी करना है जैसे हमने साइड वाला किया था। इसको धागे को हम कट कर लेंगे नॉट लगाकर और फिर से हमें अब यहाँ से इसमें फिर से नॉट लगानी है, फिर से हमें यहाँ पे धागा डालना है और इसमें से खींच देना है और फिर से हमें नॉट लगा देनी है। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना, आप बहुत ही जल्दी से इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे इसको फिर से खींच देंगे और फिर से हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। ऐसे करते हुए हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ये हो गया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये सीधा हमारा इस कलर इस तरीके की डिज़ाइन आएगी और अब हम इसको दोनों को साइड के कॉर्नर को हमें ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ से जो हमने एक इंच छोड़ा हुआ था दोनों साइड साइड में, उसमें से हमें इसको ज्वाइंट कर लेना है। तो आप सुई धागे से इसको भी ज्वाइंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें मशीन भी चला सकते हैं। मैं यहाँ पे सुई धागे से ही इसको ज्वाइंट कर दूंगी। ये हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद अब हम इसको सीधा करके दिखाते हैं इसका शेप। देखिए, ये इस तरीके का शेप आ जाएगा इसका राउंड में। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको फिर से उल्टा करना है और इस तरीके से इसमें प्लेट्स डालनी है। तो इसको उल्टा करके हम प्लेट्स डाल देंगे और इसके बाद फिर से हमें सुई धागे से इसको कवर कर लेना है। ये देखिए, ऐसे करते हुए पूरा हमें फिर से इसको स्टिचिंग इसमें डाल देनी है। बड़ी बड़ी हम स्टिचिंग कर लेंगे ताकि ये ईजिली खिंचा जाए। यहाँ से देखिए, एक प्लेट ऐसे सेव करेंगे और फिर से हम इसमें स्टिच लगा देंगे। ऐसे करते हुए हमें पूरा इसको कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे पूरा खींच देंगे धागे को। तो देखिए, ये ऐसे पूरा हमारा धागा इस तरीके से खिंचा जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। तो टाइट करने के लिए हम यहाँ पे बड़ी बड़ी स्टिचिंग लगा देंगे, ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। और इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके का शेप आ जाएगा। और अब हम इसमें फिलिंग कर लेंगे रुई की। तो देखिए, काफ़ी सारे कॉटन्स मैंने इसमें फिल किए हैं ताकि ये बहुत ही अच्छे से इसके डिज़ाइंस में भी फिलअप हो जाए।
तो अच्छे से हम इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से इसको बंद करने के लिए फिर से जैसे हमने यहाँ पे प्लेट डाली है वैसे हमें यहाँ पे भी डालनी है। तो इसमें भी हम इसमें भी प्लेट डाल देंगे। तो देखिए ये हो गया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, बीच से हमें सुई को डालना है और इस तरीके से दूसरे साइड से बीच से हमें निकाल देना है ताकि इसका शेप इस तरीके से आ जाए। तो देखिए यहाँ से हमें सुई डालनी है और इसे निकाल देनी है। इसके लिए अब हम बीच में बटन लगा लेंगे और यहाँ पे हम कोई भी बटन लेकर इसको इसी कपड़े से कवर कर देंगे और सुई से हमें इसका बटन बना लेना है। देखिए यहाँ पे ऐसे हम इसको लपेट कर बटन बना लेंगे और इसको अब हम कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद अब हम यहाँ पे बटन को भी इसमें ज्वाइन कर लेंगे और बीच से हम इसको स्टिच भी कर लेंगे। पीछे से हम सुई को निकाल कर इसको स्टिचिंग भी लगा देंगे और यहाँ से हम इसको दबाएंगे तो ये डिज़ाइन हमारी अच्छे से निकल कर आएगी। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप फिर से बीच से इसकी स्टिचिंग करें। तो मैं इसकी बीच से स्टिचिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से इसका शेप आया है, बहुत ही प्यारी इसकी डिज़ाइन आई है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।